कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। गुजरात और राजस्थान में जीरे की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन नया जीरा आने में वक्त लगेगा और उससे पहले भारत से रमजान के लिए जीरे का शिपमेंट होगा। इस साल प्राइस नीचे होने से भारतीय जीरे का निर्यात बेहतर हुआ है, लेकिन नया जीरा आने तक एक्सपोर्ट फ्रंट के क्या हाल रहेंगे यह हम जानेंगे सीजन्स इंटरनेशनल के CEO रोहित शर्मा से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रोहित जी, आपका स्वागत है बोल तोल इंडिया में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार रोहित जी। रोहित जी, यह वर्ष भारतीय जीरे के एक्सपोर्ट के लिए कैसा रहा और बीते साल की तुलना में इस साल एक्सपोर्ट फ्रंट पर क्या खास रहा? सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मोल तोल की जो पूरी टीम है और साथ ही व्यूअर्स है उनको सभी को नमस्कार, आभार। और सर इस बार जीरे के लिए देखा जाए तो पूरा एक अच्छा सुनहरा ईयर था अपनी सप्लाई को लेके, क्योंकि जो अप्रत्याशित सप्लाई हमने पिछले 2 सालों से हम सफर कर रहे थे कि सप्लाई एंड पे हमको सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, तो इस बार हमको भरपूर सप्लाई मिली है। और उसके साथ सबसे अच्छी चीज हुई कि जो डिमांड थी वो भी सामने रही है और पाइपलाइन जो खाली थी एक्सपोर्ट की डोमेस्टिक की, तो जितनी सप्लाई आई है अभी तक वो फुलफिल करती गई है डिमांड को। तो उसी के मद्देनजर देखते हुए जो एक डेटा एनालिसिस करें अपन पिछले कुछ सालों का, तो उसमें एक चीज समझ में आया है कि हमने लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज एक्सपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इस बार, ठीक है। और इसमें हम यदि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो तकरीबन 70% हमने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किया है जीरे का, जो कि एक हमारे लिए अच्छी उपलब्धि है। और ये सभी हमारे सरकार, हमारे अन्नदाता के ही कारण से हुआ है, जो किसानों ने जीरे के लिए अपना समय दिया, अपना श्रम किया, उसी के कारण से पॉसिबल हो पाया है सर। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। आप अभी अभी जर्मनी से लौटे हैं, वहां भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए कैसी संभावनाएं मसालों में दिखी खासकर? सर भारतीय मसालों की पहचान जर्मनी नहीं पूरे विश्व में है सर, और जर्मनी में जो भारतीय मसालों के प्रति रुझान है सिर्फ वो एक जीरा, धनिया और या हल्दी को लेकर नहीं है, वो संपूर्ण एक अपन जो पैकेज बोलते हैं वहाँ पे अपनी एशियन आबादी भी बढ़ रही है, तो उसने भी भारतीय मसालों की बहुत अच्छी डिमांड करी हुई है वहाँ पे। बट जो मुझे लगता है अभी वहाँ पे जो हमें एज ए इंडस्ट्री देखना है कि क्वालिटी पे विशेष तौर पर ध्यान देते हुए जो वहाँ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करते हुए वो क्वालिटी वहाँ सप्लाई करनी है। डिमांड मसालों को लेके बहुत अच्छी है, और मसालों में सिर्फ वो हल्दी, धनिया, जीरा नहीं, सभी मसाले समझते हैं आपका ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम और आपके धनिया, जीरा, मेथी और हल्दी विशेष तौर पे, वो सभी तरह के मसालों में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं भारतीय मसालों की जब बात होती है। तो रोहित जी, इस साल रमजान जो है वो जीरे की नई फसल आने से पहले आएगा और उसके शिपमेंट और ऑर्डर इंक्वायरीज मुझे लगता है कि दिसंबर लास्ट तक शायद शुरू हो जाएगी, तो भारत से आप कैसे निर्यात संभावनाएं देखते हैं इस बार? सर रमजान के लिए जैसा कि आपका कहना है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, मैं उससे एग्री करता हूँ, बट कुछ डिमांड हमने अभी नवंबर मंथ में भी देखी है रमजान को लेके, क्योंकि जो पाइपलाइन खाली है और प्राइस जो हमने मार्च अप्रैल के लेवल्स पे देखे थे वो ही प्राइस लेवल वापस एक्सपोर्ट में बायर्स को मिले हैं, तो कुछ डिमांड एक पाइपलाइन उनके वहाँ पे खाली होने से वापिस जो उन्होंने सीजन में माल लेके गए थे मार्च अप्रैल मई के अंदर में, जून में लेके गए, वो जिन भाव पे प्राइस पे लेके गए माल वही भाव उनको नवंबर मिले हैं, तो कुछ प्राइस अट्रैक्शन और प्री रमजान डिमांड भी हमें देखने को मिली है। जो फुल फ्लेज एक डिमांड है रमजान की वो हमको नवंबर और दिसंबर मंथ और साथ ही साथ जनवरी में भी देखने को मिलेगी सर। तो आपने जो कहा कि भाई अभी भी उन्होंने मतलब फॉरेनर्स ने भारत से जीरा खरीदा है,
इन दिनों अमूमन किन किन देशों की डिमांड भारतीय जीरे में देखी जा रही है या रही अभी जो बीते दिनों भी? सर, जीरे को लेकर इस बार बहुत एक अच्छा ट्रेंड ये रह रहा है कि सब कंट्री से थोड़ी थोड़ी डिमांड इवेंचुअली आ रही है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई चाइना से कोई डिमांड नहीं है, बांग्लादेश से डिमांड नहीं है, फिर चाइना बांग्लादेश से डिमांड है। थोड़ी थोड़ी डिमांड वहां से भी है, मिडल ईस्ट से भी है, फारिस से भी है, फिर गल्फ कंट्री से भी है, और US यूरोप से भी इवेंचुअली धीरे धीरे डिमांड साल भर बनी हुई रही है सर। तो ये एक तरीके से बोला जाए तो बहुत अच्छा ईयर है डिमांड को देखते हुए सर, जहाँ पे एक ह्यूज डिमांड नहीं आई है, एकदम भेड़ चाल जैसे करके किसी ने बाइंग अपना प्रॉस्पेक्ट्स नहीं बनाया, जिससे क्या होता है कि एकदम से डिमांड शूटअप हो जाती है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो प्राइस भी स्टेबल रहे और ट्रेंड तक कभी बढ़ा एक्सट्रीमली तो धीरे 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 सेटअप होते हुए वापस पुराने प्राइसेस पे आ गया, जहाँ पे भाव का अट्रैक्शन है खरीदारी के लिए। तो क्या भारत को एक्सपोर्ट फ्रंट पर किसी देश से प्राइस या क्वालिटी को लेके इस साल कोई कंपटीशन करना पड़ा या आगे के आसार आपको दिखते हैं? सर लास्ट ईयर जरूर कंपटीशन था, इस साल कंपटीशन नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन जीरे का प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है, जो कि अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। हाँ, इस साल इंडिया का कंपटीशन चाइना के जीरे से हो सकता था, बट वहाँ पे जो फ्रेट रेट्स बढ़ गए हैं और उनकी जो फसल में डैमेज हुआ है उस कारण से वो खुद एक्सपोर्ट की डिस्पैरिटी में हो गए हैं, तो वो उनका जीरा जो है खुद चाइना में ही खप चुका है, तो वहीं कंज्यूम हो रहा है। और दूसरी जो कंट्रीज जो हमें कंपटीशन देने को था, सीरिया या टर्की, उनके भाव ही इतने ऊपर है क्रॉप वहाँ पे कम होने से, तो वो कुछ एक कंट्री है स्पेसिफिक जहाँ पे उनका डिमांड है, तो वहीं वो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया का प्राइस और क्वालिटी कुछ ऐसा है कि भाई नहीं इंडिया का प्राइस हाई है तो हमें सीरिया या चाइना पे डाइवर्ट होना, इस बार ऐसी कोई समस्या एक्सपोर्टर्स को प्रतीत नहीं हुई है मेरे नॉलेज के अनुसार। तो रही जी, इस बार अगर हम देखें तो सीजन की शुरुआत में चीन को लेके बहुत हल्ला मचाया गया, जबकि चीन में उस समय बुआई भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन बहुत बड़ा हल्ला था कि चीन में इतनी ज्यादा बुआई होगी, इतनी बड़ी क्रॉप आएगी, और बाद में जो नतीजे आए सभी के सामने हैं। लेकिन शायद कहीं उसने तो शुरुआत में भारतीय जीरे के प्राइस पर दबाव नहीं दे दिया इस तरह के हल्ले ने। सर उस वक्त में सोइंग चाइना में अच्छी थी और सीरिया में भी अच्छी सोइंग थी, बट जीरे का जो नेचर, जैसा अपन जानते हैं सर कि जीरा एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, जब तक हार्वेस्ट होके किसान के घर में नहीं आ जाता है व्यवस्थित तौर पे, तब तक उसकी फसल होने से उसके प्रोडक्शन का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। वही इशू इस बार चाइना ने फेस किया है क्लाइमेट का, और ऐसा का ऐसा सीरिया में भी थोड़ा इशूज हुआ है सर कहीं जगह पे। तो जैसा आप जानते हैं वेदर सेंसिटिव, नेचर वाइज ही बहुत सेंसिटिव है जीरा, तो वो एक अनुमान था, एक सोइंग हुई थी अप्रत्याशित तौर पे, बट उसके आउटपुट वैसे नहीं आ पाया, उसका उत्पादन वैसा नहीं आ पाया जो जैसी बिजाई थी चाइना में और सीरिया में लेके, और चाइना खासकर बहुत ज्यादा अच्छी बिजाई थी इस बार। आपने वेदर सेंसिटिव की बात करी, तो हम ये देखें तो भारत में लगभग दिवाली के आसपास जीरे की बुआई राजस्थान और गुजरात राज्यों में होने लग जाती है, लेकिन बुआई काफी लेट शुरू हुई है क्योंकि तो वेदर काफी गर्म था। इस बार आप कैसी स्थिति देखते हैं इसे लेकर के? हाँ सर, आपका कहना एकदम सही है कि इस बार वेदर को लेके कंसर्न रहा है, जो विंटर सोइंग के लिए चाहिए होता है जीरे की, वो तकरीबन पिछले 10-15 दिन से ही फार्मर को प्रॉपर एनवायरनमेंट ऐसा मिल पाया है, तो उसकी बिजाई डिले हुई है जीरे की, और जो भी फार्मर्स हैं मेरे को ऐसा लगता है कि डेटा आने वाले जो एक और सोइंग का डेटा आएगा उसमें डेटा अच्छा आना चाहिए सर, प्रोत्साहित करते हुए एक डेटा आना चाहिए। हाँ, कुछ एक ऐसा है कि 10-20% कम हो सकती है बिजाई, बट ज़्यादा इसमें कमी की संभावना देखी नहीं जा सकती, क्योंकि जीरे एक ऐसी कमोडिटी है सर जो किसान इसको एक बार स्टार्ट कर देता है उसको डाइवर्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इससे, क्योंकि इसका एक तरीके से बोला जाए इसका चाम है, इसका जो एक करने का तरीका है वो किसान एक बार सीख गया है इस क्रॉप को, तो इजीली इसको नहीं छोड़ता है सर। तो आपने जैसे रोहित जी कहा कि किसान इजीली इस फसल को नहीं छोड़ता है, और अगर हम देखें तो इस बार का जो उत्पादन है संभवतः जो बाजार में चर्चा उसके अनुसार, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बाजार की चर्चा के अनुसार कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी
अच्छी खासी मात्रा में जाएगा। और आपने जैसा कि किसान कहा कि किसान ज्यादा डाइवर्ट नहीं करते हैं, थोड़ी बुआई घट सकती है। आगे चल करके अगर मौसम ठीक रहा तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट सीजन में भी हम जीरे की अवेबिलिटी भारत में अच्छी खासी दे पाएंगे। सर, जीरे के लिए जैसे अपन ने लास्ट देखा ही है इस साल में चाइना का एक एग्जांपल अपने पास में, कि सोइंग से कुछ भी नहीं होगा सर इसमें। इसमें जो कुछ भी होगा उत्पादन जब तक होके किसान के घर में नहीं आता और किसान मार्केट में नहीं लेके आता। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी पिछले 2-3 साल से ये भी है कि किसान उत्पादन कर लिया, उत्पादन जब तक मार्केट में नहीं लाएगा वो सेल के लिए, तब तक प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकती है सर। तो मेरा ये कहना है अभी ये फ्यूचर में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्रॉप, बट ये है कि सोइंग से उत्पादन का कोई एक कनेक्शन नहीं बन सकता है और प्राइस अभी अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं सर। ये सब फ्यूचर के अंदर में है और वो अनप्रिडिक्टेबल है सर। तो मेरा बस ये कहना है कि जितना अच्छा सोइंग होगा उतना सप्लाई अच्छा रहेगा और उतना ही डिमांड इसका बढ़ता जा रहा है ईयर बाय ईयर जीरे का। रोहित जी, भारतीय जीरे का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़े उसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए और नए बाजारों की तलाश के लिए क्या करना चाहिए? सर, जीरे में नया बाजार तो ऐसा है कि हर साल बनता जाएगा, क्योंकि इंडियंस और एशियन कंट्रीज के जो भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, तो ये यहाँ से जहाँ भी माइग्रेशन हो रहे हैं एज ए वर्किंग बिजनेस, तो एशियन स्पाइसेस की डिमांड इवेंचुअली हर कंट्री में बढ़ने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमको इसमें नए मार्केट की तलाश करें या नहीं करें, पर नया मार्केट अपने पास अपने आप आएगा सर। हमें जो भी करना है हमारे लिए चिंता का विषय है कि जीरे की गुणवत्ता को लेकर, और गुणवत्ता मेन ये है कि सर इसमें पेस्टिसाइड जो इश्यूज हैं वो एक सबसे ज्यादा कंसर्न करता है हर कंट्री में और अभी भी कर रहा है सर। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की तरफ से पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स को लेकर कुछ रेगुलेशंस हो, और गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क कर रही है फार्मर को अवेयर करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सस्टेनेबल फार्मिंग हो, बट अभी भी वो प्रयास इतने उचित और इतने पर्याप्त नहीं है कि हम उसको ओवरकम कर पाए जो हमारे पास में अभी समस्या है पेस्टिसाइड्स को लेकर और फंगिसाइड्स को लेके। और ऐसा हो रहा है कि हम अभी भी अनसर्टेनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी भी कोई कंट्री नया रेगुलेशन लगा दे तो बींग एक्सपोर्टर हमको उसको फॉलो करना पड़ता है और वहाँ पे हमारे पास एक डिमांड में कमी या ज्यादा कमी की ही संभावना ज्यादा रहती है, ज्यादा होने की तो संभावना कम है, जी क्योंकि जैसे पेस्टिसाइड रेगुलेशन लगते हैं तो हमको उसमें नुकसान होता ही है डिमांड को। जी रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।